नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज बर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह रक्षाबंधन की शुभकामना और राखी बंधवाने सीमा मीना से मिलने गौतम बुद्ध नगर पहुंचे, जहां उन्होंने सीमा मीना के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि आप पाकिस्तानी मूल के रहते हुए भी हिंदुस्तान से आपको अगाध प्रेम है। इस मौके पर सीमा मीना ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से आशीर्वाद मांगा। याद हो कि सीमा मीना कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान से आकर भारतीय युवक सचिन मीना से शादी की, जो मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। वो लाइन ऑर्डर का काम पुलिस का है, वो करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखे और व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का हनन भी ना हो। लोकतांत्रिक अधिकार जो हमें दिए हैं, अगर मिलने का जुलने का पंचायत का अधिकार दिया है, अगर गांव के लोग चाहते हैं बैठ के मिल के बात करना, तो उन अधिकारों का भी हनन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और पुलिस का फर्ज है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, व्यवस्था को बना के रखे, उनका काम है वो बना के रखे। हाँ, उसी के विरोध में पंचायती लोग दुखी हो गए, लोग परेशान हो गए, इसलिए लोगों को ऐसा करना पड़ा। लेकिन अब तो लगभग मामला शांत है, उन्हें भी एहसास हो गया। उन्होंने तो सारी गलती आप लोगों पे डाल दी कि आप लोग आईडी लगा कि उनसे बुलवा कैसा बुलवाते रहे। चलिए कोई बात नहीं, अब धोखाधड़ी का भी आरोप लग रहा है कि लोगों से उन्होंने पैसे लिए दोगुने करने के नाम पर, और अब वो कह रही कि वो कंपनी। अब वो तो उनका अपना निजी मामला है, वो जवाब देगी पुलिस। अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, अगर आर्थिक गबन या घोटाला लोगों का हुआ है, क्योंकि हमारे देश में बहुत थोड़े थोड़े पैसे लोग इकट्ठे करके बचत करते हैं, बहुत बड़े मनी लैंडर नहीं, थोड़े थोड़े पैसे।